दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UKPSC में परीक्षा जो हुई थी, तो उसमें उपस्थिति किस प्रकार से रही अभ्यर्थियों की। तो दोस्तों अभी वैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें हमने सॉल्यूशन बताए थे मैकेनिकल ब्रांच के पेपर वन के और पेपर टू के, तो उसकी ऑथेंटिसिटी अभी आयोग की आंसर की जारी होगी, तो उसके द्वारा आप उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मुख्य परीक्षा से बड़ी संख्या में उम्मीदवार गैर हाजिर। तो उत्तराखंड लोक सेवा 23 से 27 अप्रैल के बीच संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा AE की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई है। परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम रही। आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 23 अप्रैल को पहली पाली में 30.78% और दूसरी पाली में 30.75% उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कहने का मतलब यह है कि लगभग 30% जो हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने ही इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया। 24 अप्रैल को 30.61%, 25 अप्रैल को पहली पाली में 32.33%, दूसरी पाली में 32.34% जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने परीक्षा दी। यानी कि 25 अप्रैल को जो पेपर था वो सिविल का था, पेपर वन पेपर टू, तो उसमें 32% के आसपास उपस्थिति रही है। 26 अप्रैल को पहली पाली में 21.34% और दूसरी पाली में 21.41% उपस्थिति रही। यानी कि 26 को पेपर था मैकेनिकल ब्रांच का, तो उसमें लगभग 21% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। बुधवार को जो पेपर था उसमें पहली पाली में 21.14% और दूसरी पाली में 21.33% जो उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। तो कहने का मतलब है ओवरऑल देखते हैं तो जो परीक्षार्थियों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम है इस परीक्षा में। तो कम परीक्षार्थी होने से जाता है ये फ़ायदा हो जाता है कि सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं उम्मीदवारों के। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आगे भी हमारे चैनल में वीडियो जो आए उसको आप लाइक करें, और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को अगर पसंद आता है आपको तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।